टीवी एक्ट्रेस गोलकी जोशी ने हाल ही में अपने फेमस शो मैडम सर की शूटिंग एक बार फिर से शुरू कर दी। गोलकी को वापसी का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनके जाते ही शो की टीआरपी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी, जिसके कारण मेकर्स ने गोलकी के ट्रैक को दोबारा शो में प्लान कर लिया, वो भी बहुत ही जल्द। वहीं अब शो में लौटते ही गोलकी ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा और बताया है कि किस कारण वो शो से दूर गए। शो की शूटिंग के दौरान उनकी हालत कैसी हो गई थी कि उन्होंने आखिरकार ब्रेक पर जाने का फैसला किया और आखिर कैसे वो इन सब से उबर पाई। जी हाँ, इस टाइम से खास बातचीत में गोलकी ने इस बारे में अब विस्तार से बताया है कि उन्हें क्यों लगा कि उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। गोलकी इस बारे में कहती हैं, एक समय ऐसा आया जब मैंने हर चीज को एंजॉय करना बंद कर दिया था। मैं अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाती थी, ना ही अपने आसपास के लोगों को समझ पा रही थी। मैं पूरी तरह से एक शेल में चली गई थी। मैंने इंटरव्यू देना बंद कर दिए। मेरा जो लोगों के लिए इंटरेक्शन होता था वो जीरो हो चुका था। मुझे हर पल ऐसा लगता था जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ। ऐसा लगता था कि मैं कौन हूँ। मुझे लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता था। मुझे लोगों को जानने का, बात करने का अलग ही जोश था और मैंने उसे पूरी तरह से खो दिया था। मैं पूरी तरह से अलग हो गई थी। मुझे लगा कि मैं इस तरह काम नहीं करना चाहती। मतलब काम करना है, मेहनत भी करनी है, प्रतिभा भी है, लेकिन मेंटली हेल्थ को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। आपको बता दें कि मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण गोलकी 15 दिन शो से दूर रही। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गोलकी ने बताया कि कैसे वो इस दौरान खुद को पहले जैसे ठीक कर पाई। गोलकी कहती हैं, मैंने अपने ब्रेक के दौरान अपने परिवार को अपना सारा टाइम दिया। मैंने छुट्टी पर जाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग बनाई थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैं बस घर पर रही, फिल्में देखती रही और अपने माता पिता और दोस्तों के साथ मस्ती की। लोग कहते हैं कि 2-3 दिन काफी हैं, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे 1 महीने के लिए कर सकती हूँ। बस सोएं, खाएं, कसरत करें, पढ़ें, मूवी देखें और परिवार के साथ समय बिताएं। मैं इन सब से नहीं उब सकती। फिर गोलकी ने यह भी खुलासा किया कि कैसे उन्होंने पिछले 2 से 3 सालों के दौरान अपने परिवार और दोस्तों की इम्पोर्टेंस को जाना है। इस बारे में गोलकी कहती हैं, हाँ, कई बार ऐसा होता है जब मुझे लगता है कि मैं काम के कारण अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। पिछले 2 या 3 सालों में मैंने अपने जीवन में उनके महत्व को पहले से कहीं ज़्यादा समझा है। मेरे माता पिता घबरा गए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मुझसे पूछते हैं, क्या होगा, आपको क्या हुआ, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि चिंता ना करें। वो अक्सर बिजी शेड्यूल और लगातार काम करने के कारण स्टार्स को ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से गोलकी भी काफी डिस्टर्ब रही। हालांकि अब गोलकी ठीक है और अपने काम, अपने शो में दोबारा वापसी कर चुकी है अपने फैंस के लिए।